गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ेंगे सेवन्थ ए का मैथ एक्सरसाइज 8C। आपका चल रहा है चर्स। एक चर वाले रेखीय समीकरण। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। देखिए इसमें दिया है कैफ 1.5 वाई प्लस 7 इक्वल 0.5 वाई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप ही करेंगे, समीकरण आपको सॉल्व करना सिखाया है। तो देखिए वन पॉइंट फाइव वाई प्लस सेवन इक्वल 0.5 वाई। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। सुन, वाई वाई वाले पद जो जो चर राशि होते हैं एक साथ करते हैं, और जो अचर होते हैं वो एक साथ करते हैं। तो 1.5 वाई माइनस 0.5 वाई इक्वल 7 इधर आ जाएगा, माइनस 7। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे कितना होगा देखिए। 1.5 और 0.5 तो माइनस करेंगे तो 0 और 1, तो कितना रह गया 1.0y इक्वल माइनस 7। तो 1.0y को हम लिख सकते हैं ओनली y इक्वल माइनस 7। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। निम्नांकित समीकरण को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। तो देखिए आपको उत्तर की जांच करना और समीकरण हल करना सिखा चुके हैं। x प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस 3x इक्वल 35। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, पहले इसे सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू x की आएगी उसे इस समीकरण में x की जगह रखेंगे और देखेंगे कि बराबर 35 ही आ रहा है या नहीं। अगर आता है तो हमारा आंसर ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक, तो देखिए x प्लस ये 2 जो है इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई कर रहा है इस ब्रैकेट को। तो देखिए 2x माइनस 22 जब 2 2 4 प्लस 3x बराबर 35। ठीक, x और x कितने हो गए 3x और 6x माइनस 4 बराबर 35। तो देखिए 6x 35 और माइनस का 4 इसके पास जाएगा तो क्या होगा प्लस का बराबर 6x बराबर कितने हो गए 39। अब क्या होगा 6 कहाँ जाएगा 39 के बट्टे में, 6 से भाग देंगे क्या होगा 6 6 36, 3 बचेंगे 0.6 5 30। कितना आया x बराबर 6.5। इसको हम अब इस समीकरण में लगाएंगे, x का मान समीकरण में रखने पर उससे पहले लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कर रहे हैं ना। ठीक, तो देखिए समीकरण क्या है हमारी, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस 3x बराबर 35। तो x की वैल्यू क्या आई 6.5 प्लस 2 6.5 माइनस 2 प्लस 3 गुणा 6.5 बराबर 35। ठीक है, 6.5 प्लस ये अंदर सॉल्व हो जाएगा पहले, तो देखिए कितना होगा 2 गुणा 6 से 2 जाएंगे तो 4.5 प्लस कितना 3 पंजे 15 3 छंग 18 19.5 बराबर 35। ठीक, अब देखिए 6.5 गुणा करेंगे 2 पंजे 10 2 चौकांट 9.0 प्लस 19.5 बराबर 35। सबको प्लस करेंगे 5 और 5 10 6 1 7 7 और 9 16 16 और 9 25। तो 25 का 5 हाथ से 2, अब क्या बच रहा है 1 2 और 1 3। पॉइंट कितने सब में कितने के बाद है, एक नंबर के बाद, तो एक नंबर के बाद पॉइंट 35, यानी 35 बराबर 35। तो ये हमारा उत्तर सही है। ठीक है, इस तरह से ही आपको ये क्वेश्चन करने हैं।